नमस्ते बच्चों, मैं स्माइल से विजयलक्ष्मी एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। बच्चों, इन दिनों हमने आपको ग्राम और किलोग्राम के बारे में बताया था, आज भी हम ग्राम और किलोग्राम के बारे में ही बात करेंगे। बच्चों, आज भी वर्कशीट में मैंने आपको तोलो और बताओ। बच्चों, जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये आपको किस चीज़ की याद दिला रहा है? ये एक ऐसा खेल है जो आप लोग पार्क में जाते हो तब खेलते होंगे। जैसे उसको कहते हैं, एक बच्चा जब तक दोनों साइड एक एक बच्चा बैठा होता है तो कभी एक बच्चा ऊंचा होता है, कभी दूसरा बच्चा ऊंचा होता है, तो उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? सीसो। ये गेम वही उसी प्रकार से ये मैंने आपको बताया है। इसमें आपको जैसे कि मैंने यहाँ एक 300 ग्राम दे रखा है और इस साइड दे रखा है 1 किलोग्राम। तो यहाँ पर मैंने उत्तर अब लिखा है, लेकिन इसमें उत्तर लिखा हुआ नहीं था। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ 1 किलोग्राम है तो यहाँ बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 किलो में कितने ग्राम बताया था मैंने आपको, 1000 ग्राम। तो यहाँ 300 ग्राम दे रखा है तो आप 1000 में से 300 घटाएंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा, 700 ग्राम। तो यहाँ दोनों जोड़ने पर क्या हुआ, 1000, और इधर भी क्या हुआ, 1000। तो दोनों तरफ बराबर हुआ। इसी प्रकार आगे प्रश्न में भी ऐसे ही, यहाँ है 1200 ग्राम और यहाँ क्या है, 2 किलोग्राम। तो 1 किलो में आपको बताया था 1000 ग्राम और 2 किलो में कितने हो गए, 2000 ग्राम। तो यहाँ पर आपको कितना आएगा घटाने पर उत्तर, वो यहाँ पर आपको इसको बराबर करना है। इसी प्रकार यहाँ 2500 ग्राम है और इधर 4 किलोग्राम है, तो 4 किलोग्राम यानी 4000 ग्राम, तो इसको आप यहाँ बराबर करें, कैसे करेंगे वो आपको करना है। इसमें आपको इधर दे रखा है 1 किलोग्राम और इधर दे रखा है 1300 ग्राम, तो यहाँ 1 किलोग्राम है तो 1300 ग्राम करने के लिए इसमें कितने जोड़ेंगे वो लिखना है यहाँ पर। और यहाँ पर है 2 किलोग्राम और यहाँ है 2800 ग्राम, तो यहाँ आपको कितना जोड़ना है वह है आपको यहाँ पर लिखना है। बच्चों, यहाँ पर आपको इनके देखकर मात्रा लिखनी, कितने ग्राम या कितने किलोग्राम आएंगे जिससे ये दोनों बराबर हो। तो इस प्रकार मैंने आपको जो समझाया है वो समझ में आया होगा और आप मुझे करके भेजेंगे।